उत्तर प्रदेश में राजा भैया अपनी नई राजनीतिक पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं और तमाम अपने प्रत्याशियों को भी चुनाव लड़ा रहे हैं। हमारे राजनीतिक संपादक अखिलेश मिश्र ने राजा भैया से खास बातचीत की, क्या कुछ कहा उन्होंने सुनिए। विधानसभा चुनाव चरम पे है, इस वक्त मैं खड़ा हूँ गौरीगंज में, जहाँ से राजा भैया की पार्टी के प्रत्याशी खड़े हैं। राजा भैया, पहली बार आप अपने दल पे चुनाव लड़ रहे हैं, आपका दल चुनाव लड़ रहा है, आप कुंडा से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कुंडा में एक दिन भी नहीं दे रहे हैं, इलाहाबाद में हैं, गौरीगंज में हैं, मुसाफिरखाना में, क्या लग रहा है इस बार चुनाव थोड़ा मुश्किल है? कहाँ की बात कर रहे हैं आप, कुंडा का? देखिए, कुंडा में हमारा जो परिवार है वो विधानसभा नहीं है, वो पूरा परिवार है कुंडा और बाबागंज। वहाँ किसी से लड़ाई नहीं होती है, वहाँ सबसे बड़ी चुनौती होती है अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ना। और सभी साथी, सभी मतदाता और जनसत्ता दल के सभी समर्थक वो इसीलिए जुटते हैं कि पिछली बार जितनी मार्जिन थी उससे बढ़ के अब की लाना है। और ये 6 बार की परंपरा है, लगातार 6 बार यूपी टॉप किया है कुंडा ने, और लगातार 6 बार अपने मार्जिन को बढ़ाया है, लगातार 6 बार जो भी प्रत्याशी हैं सबकी जमानतें जब्त हुई हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है सर, आप एक दल बना के चुनाव लड़ रहे हैं पहली बार, तो प्रदेश में वो समस्याएं, मूलभूत समस्या है उस पर बड़ी पार्टियां राजनीतिक एक दल एक नैरेटिव सेट कर देते हैं उस पर बिल्कुल है, बहुत सी ऐसी स्थानीय समस्याएं हैं और जनता की जो अपेक्षाएं हैं, फिर हम कहेंगे उस चीज़ को जो अभी हमने मंच से कहा कि सड़क, बिजली, पानी ये सब बहुत चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा कि कई विधायक ऐसे हैं जो विधायक बनने के बाद क्षेत्र से दूरी बना लेते हैं, उपलब्ध नहीं रहते हैं और जनता को निराश होना पड़ता है। तो जनप्रतिनिधि जन सुलभ हो, यही सबसे बड़ी बात है, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, जिन क्षेत्रों में आपके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो क्या लग रहा है कि किन दलों से आपका मुकाबला है? आपको लगता है कि SP, BSP, BJP सभी दलों के बड़े बड़े नेता? इतनी बड़ी विशाल जनसभा अभी अभी समाप्त हुई है और जितना हमने सोचा था उससे अधिक रिस्पॉन्स, उससे अधिक प्रेम सामान्य जनता का मिल रहा है। दूसरे, तीसरे, चौथे पे कौन है ये एक अलग विषय है, लेकिन पूरा पूरा आशीर्वाद हर वर्ग का, हर जाति के लोगों का नफीस के साथ है। राजा भैया, एक परसेप्शन आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ता है कि राजा भैया बहुत दबंग है? ये भी कह रहे थे कि साहब, हम भी सुन रहे थे कि मगरमच्छ है, तालाब है, वो एक परसेप्शन क्यों नहीं छोड़ पा रहा आपका पीछा? अब वो बेचारे मगरमच्छ का पीछा छोड़ दीजिए, है ना, अब उस पर मगरमच्छ पे तरस खाइए और उसका पीछा छोड़ दीजिए, क्योंकि जो पत्रकार आते हैं वो मगरमच्छ, लेकिन ठीक है, कभी मिलेगा मगरमच्छ तो उसको आपके सामने पेश किया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजा भैया, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज अपने जीत की मार्जिन बढ़ाना है, कोई दूसरा चैलेंज इनके सामने नहीं है। कैमरामैन सेहरा सिंह के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र TV, गौरीगंज। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र TV ऐप को, जो कि अवेलेबल है Google Play और App Store पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।